हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से आप सबका आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा जो बैच है मध्य प्रदेश पटवारी उत्सव बैच सीरीज, जो कि एक्सक्लूसिवली केवल पटवारी की वैकेंसी के लिए टारगेट किया गया है। और हम लोगों ने टारगेट किया है कि जो हमारा 3 महीने का ये सेशन रहेगा, इसमें 90 दिनों में हम आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सामान्य विज्ञान है, सामान्य प्रबंधन है। तो हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन क्लासेस और कुछ ऑफलाइन क्लासेस का यहाँ पर, ठीक, ज्यादातर हमारी क्लासेस ऑनलाइन है, कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि समय रहते हम उन चीजों को, सारे अपने सिलेबस को यहाँ पर पूरा कर पाए। तो ये आरंभ सिविल सर्विसेज अकेडमी का एक अनूठा प्रयास है, जो आपको अपने घर पर, ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल करवा रहा है, कम समय में बेहतर गुणवत्ता के साथ आप अपनी सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, मैं उदय तिवारी आपको यहाँ पर आपके सामने सामान्य प्रबंधन, ठीक है, हम लोगों ने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था सामान्य प्रबंधन का, नियंत्रण। तो नियंत्रण हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उसमें हम लोगों ने कल कुछ बेसिक चीजों को देखा था। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए सारे लोग, ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, सामान्य प्रबंधन ये लेक्चर 3 जो लिखा है उसको ध्यान में दीजिएगा। ये क्या है आपका टेम्पलेट है, हम लोग इसमें कर रहे हैं क्या अपना नियंत्रण। तो नियंत्रण जो है, ठीक है, हम लोगों ने कल बात की थी बेसिकली कि नियंत्रण है क्या। तो उसको स्टार्ट करने पहले मैं आपको बता दूं, हमारी टीम ने आपके तैयारी को शार्पनेस देने के लिए सामान्य प्रबंधन की बुक भी लॉन्च की है, जो आपके नजदीकी रिटेल स्टोर पर, आपके आसपास की जो दुकानें हैं, ठीक है, बुक स्टॉल है, वहां पर मिल जाएगी। और अगर वहां ना मिले तो आप ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल बात की थी नियंत्रण की परिभाषा की, वास्तव में नियंत्रण क्या है। तो जैसे मेरी कुशिंग नाइल्स ने के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नियंत्रण देखा था कि नियंत्रण क्या है, किसी भी लक्ष्य लक्ष्यों के समूहों को प्राप्त करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों और जो वास्तविकता में जो हमारे टारगेट्स हैं उनके बीच का जो संतुलन है, वही क्या कहलाता है आपका नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मैसी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन देखी थी कि हम लोगों ने संगठन में पहले कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया और उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, ठीक है, उन एक्शंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस का, ठीक है, और जो सेट स्टैंडर्ड्स उनके साथ जो कंपैरिजन है, ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका कंट्रोल कहलाता है। तो इन लोगों ने फिलिप कोटलर की एक डेफिनेशन देखी थी कि ये क्या है, कंपैरिजन, हम जो टारगेट सेट कर रहे हैं उसे और जो हम यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं उसे, दोनों को हम जितना करीब ला पाते हैं वही क्या कहलाता है आपका नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, और एक लास्ट डेफिनेशन हम लोगों ने हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग देखी थी। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली हैं और हम लोगों ने कल के सेशन में नियंत्रण की कुछ प्रकृति और लक्षणों के बारे में भी बात किया था कि आखिर नियंत्रण की प्रकृति क्या है और नियंत्रण के लक्षण क्या है। तो जो लोग हमारे कल के सेशन को ना देख पाए हो उसे आज यहाँ पर देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने बात की थी नियंत्रण की प्रक्रिया के बारे में। तो नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है, नियंत्रण की प्रक्रिया बेसिकली ये क्या है, ये जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं उन स्टैंडर्ड्स को, मतलब जो, यानी कि जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं उन टारगेट्स को सेट करना, यानी कि जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उन लक्ष्यों को का निर्धारण, यही क्या कहलाता है आपका सेटिंग स्टैंडर्ड्स। और जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद, स्टैंडर्ड्स को सेट करने के बाद हम वहां पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं तो काम करते समय जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, यानी कि जो वास्तविकता है उसे हम सेट स्टैंडर्ड्स के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वास्तव में जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्या हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है, या उन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, यही क्या कहलाता है आपका कंपेरिजन, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस देन कंपेयर। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम वहां पर टारगेट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए उन लक्ष्यों के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई समस्या आती है, यानी कि वहां पर हम कहीं डेविएशन देखते हैं, तो उन डेविएशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं, बाद में हम उसी को लगातार फॉलोअप करते हुए अपने लक्ष्यों को, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली हैं अभी तक, तो इतने में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, अगर कोई समस्या है तो आप उस समस्या का भी यहीं पर समाधान किया जाएगा। तो आगे जो हम अब बात कर रहे हैं,
नियंत्रण का महत्व, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कुछ बिंदु दिए हैं जिन बिंदुओं के आधार पर हम नियंत्रण के महत्व को यहाँ पर समझेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है असफलताओं के विरुद्ध बीमा, दैट मीन्स इट्स इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर। आप लिख सकते हैं कि नियंत्रण का महत्व क्या है, इट्स एन इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर। इसे असफलताओं के विरुद्ध बीमा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी संगठन में हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि क्या हमें टारगेट को अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लान करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उन स्ट्रेटजीज का हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर उन स्ट्रेटजीज को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई समस्या आ रही है, तो कंट्रोल ही वो मैकेनिज्म है, कंट्रोल ही वो मेथड है जिसके माध्यम से हम इन स्ट्रेटजीज को करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम चेक करते हैं हमेशा, क्या करते हैं, कंपैरिजन। हम कंपेयर करेंगे जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमें परफॉर्म करना चाहिए, जितना हमने आज अचीव किया है और कितना हमें अचीव करना है, इन दोनों के बीच में हम जब कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गैप है वो गैप कितना है। ठीक है, और उस गैप को करेक्ट करने के लिए हम वहां पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। डेविएशन है तो हम वहां पर सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे, और अगर डेविएशन नहीं, दैट मींस वी आर गोइंग ऑन राइट पाथ। तो आप बोल सकते हैं कि कंट्रोल जो है ये क्या है, इट्स एन इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर। ठीक है ना, तो क्योंकि जैसे ही हमें पता चलता है कि गलतियां हो रही, तो हम गलतियों को सुधारने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। दूसरा दिया हुआ है आपका योजनाओं की जानकारी। योजनाओं की जानकारी क्यों कहा गया है इसे? योजनाओं की जानकारी कहने का मतलब यह है कि जब हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, वहां पर हमने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई थी, कुछ योजनाएं हमने बनाई थी, और अगर हमें हमारा अपनी योजनाओं पर नियंत्रण नहीं है, हमारा अपनी रणनीतियों और हमारे क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं है, दैट मीन्स कि हमें अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर हमें योजनाओं की जानकारी है तो उसके लिए हमें नियंत्रण होना जरूरी है। तो नियंत्रण के माध्यम से हमें अपनी जो योजनाएं होती हैं, योजनाओं की सफलता और असफलता सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए हमें योजनाओं की सफलता किस पर निर्भर करती है? योजनाओं की जो सफलता है वो निर्भर करती है हमारी नियंत्रण की नीतियों पर। ठीक है, अगला है आपका निरीक्षण के कार्य में आसानी। आप देखते हैं कि किसी भी संगठन में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो संगठन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वहां पर हमें जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स ईज इन इंस्पेक्शन। ठीक है, तो निरीक्षण का मतलब है कर्मचारियों के पास खड़े रहकर उनके कार्य, हम उनके कामों को देख रेख करते हैं कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, एक तो एक निरीक्षण हुआ, दूसरा निरीक्षण क्या होता है, वहां पर हम बस दूर से ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन कैसा है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं वहां पर, फिजिकली वहां पर अवेलेबल ना होकर, ठीक है, उनकी जो वर्क की प्रोग्रेस है, कैसे वो कार्य कर रहे हैं, जो जितना काम जिस व्यक्ति को असाइन किया गया है, क्या वह व्यक्ति उतने काम को आसानी से, असाइन काम को अचीव कर पा रहा है। ठीक है, ये कहलाता है वास्तव में सुपरविजन, निरीक्षण। तो सुपरविजन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए नियंत्रण होना आवश्यक है। तो नियंत्रण के माध्यम से आप अपने कर्मचारियों की जो क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, उन कर्मचारियों के द्वारा जो लक्ष्य दिए गए हैं, उनको क्या वो लक्ष्य समय पर पूरे किए जा रहे हैं अथवा नहीं किए जा रहे हैं, इन चीजों के बारे में भी जानकारी किसके माध्यम से, नियंत्रण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो नियंत्रण आपको यहाँ पर सहायता करता है। क्लियर है बात? तो नियंत्रण जो है, पर्यवेक्षण जो नियंत्रण के माध्यम से हम क्या करते हैं, ठीक है, कर्मचारियों के पास ना रहते हुए भी बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर कर्मचारियों के द्वारा को जो काम दिया गया है वो प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर नियंत्रण हमें जो है इस तरीके से
कार्य की देखरेख या कार्य की जो प्रगति है उसको पता लगाने में हमारी सहायता करता है, ठीक है ना। तो ये एक काम हो जाएगा किसका, नियंत्रण का महत्व। ठीक, अगला है कुशल और अकुशल कर्मचारियों की पहचान, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नियंत्रण। ठीक, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे किसी भी संगठन में बहुत सारे एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से जब मेजर करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना काम कितने समय में कर लिया है, इससे उसकी एफिशिएंसी का, उससे उसकी स्किल का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नियंत्रण के माध्यम से बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि संस्था में कितने कर्मचारी कुशल हैं और कितने कर्मचारी अकुशल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुशल कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर हम मोटिवेट कर सकते हैं और जो अकुशल कर्मचारी हैं उनके लिए हम यहाँ पर करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। जैसे अगर उनके अंदर टेक्निकल स्किल की कमी है तो उनको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, उनके अगर मोटिवेशन में कमी है तो उनको मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो कर्मचारी हैं कर्मचारियों के गुणों का यहाँ पर व्यक्तिगत मूल्यांकन किया जा सकता है और उसके आधार पर यहाँ पर कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर प्रमोशन, वहां पर उनको लीडरशिप, उनको ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर किया, दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, या जो जिन्हें गलती से ऊपर ऊपर की पोस्ट पर बिठा दिया गया उनका डिमोशन भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये नियंत्रण के माध्यम से आप संस्था में कुशल और अकुशल कर्मचारियों की पहचान बड़ी आसानी से कर पाते हैं, ठीक है ना। और अगला है आपका समन्वय में सहायक। तो समन्वय कैसे ये करता है, ठीक है, नियंत्रण के माध्यम से हम क्या करते हैं विभिन्न विभागों की जो क्रियाएं होती उनके बीच में समन्वय रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कई बार यहाँ पर कोई स्ट्रगल हो रहा है, जैसे दो दो डिपार्टमेंट्स हैं उन दो डिपार्टमेंट्स के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। मान लीजिए कि दो डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग ये दोनों ही डिपार्टमेंट जो है किसी भी संस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है संस्था में माल का उत्पादन करना, यानी कि जो पदार्थ जिन पदार्थों की बिक्री की जा रही है उन पदार्थों को उत्पादित करना, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करती है उन पदार्थों को कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, सेल्स फोर्स के माध्यम से। अब यहाँ पर जो नियंत्रण है, जो डायरेक्शन या मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों पर ही नियंत्रण रखेगा। कैसे रखेगा, अब मान लीजिए कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अत्यधिक मात्रा में सामान का उत्पादन कर दिया है, ठीक है, और जितना सामान का उत्पादन किया गया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका उतना उतनी सेल्स नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर नियंत्रण के माध्यम से ये देखा जाएगा कि इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बना जाए, ठीक है, यानी कि उत्पादन इतना हो जितने की जितना बिक्री किया जा सके या जितनी बिक्री की जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उत्पादन किया जा सके। क्लियर है बात। मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 यूनिट पदार्थों का उत्पादन करती है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, और मार्केटिंग टीम जो है वो एक महीने में, ठीक है, 90 यूनिट ही बेच पाती है, यानी कि जो 10 यूनिट है वो क्या है यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। तो हमें कैसा तालमेल बिठाएं कि यहाँ पर दोनों के बीच में, ठीक है, सामंजस्य स्थापित हो पाए। तो नियंत्रण के माध्यम से आप अपने जो और टारगेट है, टारगेट को भी ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि 12 महीने में 1200 यूनिट की सेल्स करनी है, ठीक है, तो 1200 यूनिट की सेल्स करने के लिए हमारे पास कम से कम 1200 यूनिट का स्टॉक तो मतलब प्रोडक्ट तो होने चाहिए। मान लीजिए उसमें कुछ पदार्थ ऐसे हो सकते जो खराब या डिफेक्टेड हो सकते हैं, तो वहां पर मान के चलते हैं कि 1400 यूनिट 200 यूनिट एक्स्ट्रा हम अपने पास लेकर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, हमें 1200 यूनिट को 12 महीनों डिवाइड कर दिया, यानी कि हर महीने हमें कितना 100 यूनिट का प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो 90 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर पा रही है, तो क्या हम अपने लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, सेल्स वाले के 90 यूनिट बेच पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कम से कम 110 यूनिट का उत्पादन करे, ठीक है, और जो सेल्स फोर्स है वो 100 यूनिट का प्रोसेस यहाँ पर सेल्स करे। हो सकता है कि किसी महीने ज्यादा या कम भी हो सकता है, तो अब मैं एवरेज सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से नियंत्रण जो है, नियंत्रण ही वो एक टूल है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने में सहायक होगा।
अब यहीं पर मान लीजिए कि एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट का काम है यहां पर लेबर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या इंश्योर करेगा कि यहां पर इतने काम को करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अब अगर वहां पर कर्मचारी ज्यादा है तो उनको हटाना पड़ेगा, और अगर कर्मचारी कम है तो वहां पर नए कर्मचारियों को काम पर लगाने की आवश्यकता महसूस होती है। तो इस तरीके से ये जो नियंत्रण है, नियंत्रण के माध्यम से हम संस्था में जितने भी विभाग कार्यरत हैं उन विभागों के बीच में आपसी समन्वय को स्थापित कर सकते हैं। क्लियर है बात? अगला जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक होती है। भावी योजनाओं के निर्माण में कैसे सहायक होगी? जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में आप कोई नई आपने कोई टारगेट सेट कर रखा है और आपका वो टारगेट आज पूरा हो जा रहा है, ठीक है, तो हम भविष्य की यानी कि फ्यूचर प्लानिंग भी, संस्था के लिए भविष्य में कौन कौन सी चीजें और अच्छी बेहतर की जा सकती हैं, उन सारी योजनाओं का भी को भी हम यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, और उनके क्रियान्वयन के लिए हम यहाँ पर तथ्यों के आधार पर जो हमने हमारे पास फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास डेटा है, उन डेटा या फैक्ट्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, भविष्य में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, इन सूचनाओं तथ्यों के आधार पर हम भविष्य को यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, नियंत्रण के माध्यम से ही भावी विकास की योजनाओं को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्व है, आपको ये याद रखना है। और अगला है विभिन्न स्तरों पर अनुशासन की स्थापना। विभिन्न स्तरों पर अनुशासन की स्थापना, ठीक है, संस्था में जितने भी ये डिपार्टमेंट होते हैं हम देखते हैं कि हर स्तर पर वहां पर कर्मचारियों में कई बार अनुशासनहीनता या यूं कहें कि करप्शन, भ्रष्टाचार, दुराचार, ऐसी जो कुरीतियां हैं वो घर कर जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर नियंत्रण है तो नियंत्रण के माध्यम से कर्मचारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, और जब हम कर्मचारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं तो संस्था में पनपने वाले जो ऐसे ये गलत आचरण है उन गलत आचरणों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। अगर वहां पर गलत कोई कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ पर इनडिसिप्लिनरी एक्शन या अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, और उन अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर हम संस्था में कड़े नियमों और कानूनों को इम्प्लीमेंट करके वहां पर संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो नियंत्रण जो है यहाँ पर कर्मचारियों को डिसिप्लिन में रहने के लिए मोटिवेट करता है, या यूं कहें कि उन्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। तो नियंत्रण यहाँ पर इस तरीके से संस्था के हर एक स्तर पर महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। तो ये नियंत्रण के कुछ महत्व हैं, ठीक है, आप इनको याद रखना है। क्या क्या? एक तो असफलताओं के विरुद्ध ये बीमा है, योजनाओं की सफलता की जानकारी आवश्यक है, निरीक्षण के कार्य में आसानी होती है, किसी भी संस्था में कुशल और अकुशल कर्मचारियों की पहचान नियंत्रण के माध्यम से की जा सकती है, और नियंत्रण जो है यहाँ पर संबंध में सहायक होता है, साथ ही साथ ही भविष्य की योजनाएं जो होती है उन योजनाओं के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है, और संस्था में डिसिप्लिन यानी अनुशासन को मेंटेन रखने में भी ये हेल्प करेगा। अगला है यहाँ पर नियंत्रण की सीमाएं, ठीक है। नियंत्रण में आने वाली जो समस्याएं हैं, व्हाट आर द लिमिट्स इन कंट्रोल प्रोसेस। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्रमापों के निर्धारण में कठिनाई, ठीक है, यानी कि डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड्स। ठीक, ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो है कंपनी हमेशा ऐसे स्टैंडर्ड सेट करती है जो रियलिस्टिक हों, कभी भी हाइपोथेटिकल चीजों को यहाँ पर स्टैंडर्ड्स के तौर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, हमेशा संस्था जो है ऐसे मानक निर्धारित करती है जो फिजिबल हो, जिन्हें प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां ना हो, ठीक है, और जो हमारे पास जो वर्क फोर्स है उसकी स्किल के अकॉर्डिंग हो। तो कभी भी स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए, ठीक है, जब तक हमारे पास प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स या जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उपलब्ध नहीं होती हैं, तब तक हम निर्णय को स्थापित या स्टैंडर्ड्स को स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि कंपनियां कभी भी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि क्या क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज है हमारे पास, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, उन सबको ध्यान में रखकर ही कंपनियां जो है अपने संसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करती हैं। हमारे पास पता चला कि हमारे पास उस पर काम करने के लिए मजदूर कम है और हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हम 1 लाख यूनिट का उत्पादन कर लेंगे। अब 10 लोगों के द्वारा 1 लाख यूनिट का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे अपना घर बनवाना है, ठीक है, मुझे अपना जब घर बनवाना है तो मैं क्या करूंगा, वहां पर देखूंगा कि मुझे घर कितने एरिया में बनवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया डिसाइड करूंगा, ठीक है, उस एरिया में मुझे कितना कंस्ट्रक्शन करवाना है और उस कंस्ट्रक्शन को कितने दिन में करवाना है। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर 30 दिन में, ठीक है, यहाँ पर अपना घर बनवाना चाहता हूं। मान लेते हैं एरिया कितना है, 30 बाई 40 का, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 30 दिन में 1200 स्क्वायर फीट में घर का काम करवाना है, और इतने यहाँ पर काम करने के लिए हमें कम से कम कितने मजदूर चाहिए। मान के चलते हैं कि यहाँ पर डे अगर 2 मिस्त्री हों, ठीक है, और 5 लेबर हों, तो ये जो है आराम से यहाँ पर 30 दिनों में घर पूरा कर लेंगे, ठीक है। छत की बात देंगे, छत पर जब छत बढ़ती है उसमें आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा मजदूर वहां पर लगते हैं, ठीक है। तो मैं ऑन एन एवरेज दीवार खड़ी करने की बात करूं तो इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन मेरे पास 1 मिस्त्री और 3 लेबर हैं, ठीक है, तो क्या मेरा काम समय पर पूरा हो पाएगा। ठीक, जितने मेरे पास संसाधन है, ठीक है, उन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही मैं क्या करूंगा, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करूंगा, या जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको पूरा करने के लिए मुझे फिर संसाधनों को जुटाना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज होता है कि आप कंट्रोल कैसे करेंगे। तो नियंत्रण की एक बहुत बड़ी सीमा होती है कि जब तक तब तक नियंत्रण प्रॉपर नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारे पास एक आइडियल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ना हो, ठीक है। ये काम कभी तब पूरा होगा जब हमारे पास कंप्लीट डेटा हो, ठीक है, ठोस तथ्य हो, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास फैक्ट ही प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। तो कोई भी किसी ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है, किसी भी संगठन में जब आप काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के पहले, ठीक है, हमारे पास एक टीम होती है जो ऐसे रफ वर्क करती है, जो ये सारी चीजों के बारे में डेटा कलेक्ट करती है, डेटा एनालिसिस बोलती है, सैम्पलिंग भी बोला जाता है। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, वहां पर सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। डेटा कलेक्शन की भी अलग अलग मेथड होती हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेट डेटा मिलना एक चैलेंज है। जैसे हमारी एक एग्जांपल देखते हैं जनगणना, तो जनगणना में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो जिस देश की जनसंख्या है जब जनगणना की जाती है, जिन लोगों को काम पर लगाया जाता है, वो लोग कहीं किसी एक स्थान पर अगर एक व्यक्ति से ही सारे आसपास के जो पड़ोसियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ एक दो व्यक्ति ज्यादा भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं या दो चार व्यक्ति कम भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ऐसे में जो डेटा मिलता है वो डेटा जो है वो सही नहीं होता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर सर्वे किया जा रहा है और मुझसे किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, तो मैं हो सकता है कि लेथार्जिक हो जाऊं और वहां पर प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड ना करूं, मेरा इंटरेस्ट वहां पर ना हो, तो ऐसे में भी क्या है, कई बार जो डेटा प्राप्त होता है वो डेटा जो होता है वो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है क्या, आपका डेटा के सही होने का, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। ठीक, तो डेटा के एक्यूरेट ना होने के कारण जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को सेट करने में कई बार समस्याएं आती है। जैसे आप देखते हैं आजकल, ठीक है, जो कंपनियां हैं, कंपनियों ने क्या किया है, आपके पास बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स आते होंगे, या यूं कहें कि टेली मार्केटिंग वाली कंपनियों के कॉल आते होंगे इंश्योरेंस को लेकर, क्रेडिट कार्ड को लेकर, ठीक है। अब उसमें से बहुत सारे कॉल ऐसे आएंगे जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होंगे। नाम आपका दिया गया है, नंबर आपका दिया गया है, आपको पता है कि हाँ मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूँ, ठीक
ठीक है, लेकिन आपका उन चीजों से कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप भोपाल में रह रहे हैं और आपसे आपके पास फोन कहाँ से आया, दिल्ली से फोन आया प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो दिल्ली वाले को जो डेटा दिया गया है वो डेटा कैसा है, वो गलत डेटा है। ठीक है, अब अगर वो भोपाल वाले व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है दिल्ली में, तो हो सकता है कि भोपाल वाला इंटरेस्टेड हो वहां पर प्रॉपर्टी लेने के लिए, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, मे बी कि वो चांस है वहां पर कि जाकर ले ले, लेकिन वो फिजिबिलिटी कहां पर ज्यादा होगी, जहां तक ज्यादातर पॉसिबिलिटी कहां पर होगी, अगर यही व्यक्ति जो है वो दिल्ली वाले को फोन करे, ठीक है, उससे वहां के बारे में इंफॉर्मेशन ले। अब इससे मान लीजिए कि हम और आप स्टूडेंट है और हमारे और आपके पास क्या है, फोन आ रहे हैं किसके लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, तो जब मेरे पास सैलरी ही नहीं है, ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड लेकर करूंगा क्या? ठीक है, या मान लीजिए आपके पास लोन के कॉल आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, तो लोन ठीक है किसको दिया जाएगा ये जरूरी है। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड, हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए किस काम का ये लोन रहेगा? तो ये जो टेली मार्केटिंग या जो कंपनियां हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉलिंग करती हैं आपके पास, वहां पर ये आप एक चैलेंज देख रहे हैं, इससे हम और आप सभी परेशान होंगे। ठीक है, कि गलत तरीके से बहुत सारे कॉल आते हैं, तो ये भी क्या है, इनएक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो डेटा, ठीक है, डेटा की इनसफिशियंसी या इनएक्यूरेसी जो होती है डेटा की, ये कई बार हमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में चैलेंज क्रिएट करती है, जिसके कारण से हम एक फिजिबल या यूं कहें कि एक सुटेबल जो ऑब्जेक्टिव होता है संस्था का, ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स को हम सेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इज अ ग्रेट चैलेंज। ठीक, प्रमापों का निर्धारण जो है, ठीक है, वो एक चैलेंज होता है। तो इन चीजों पर ये हमारा जो नियंत्रण है, नियंत्रण की एक लिमिटेशन हो गई। दूसरा, बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण, जो नियंत्रण की जो अगली लिमिटेशन है वो क्या है आपका, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर कंडीशन कंट्रोल। तो जैसे हम देखते हैं कि जो कोई भी संगठन होता है, संगठन में हमेशा दो तरीके के वातावरण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक क्या होगा आपका एनवायरनमेंट की बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट की बात करें हम, तो और किसी भी संगठन में जो एनवायरनमेंट होगा वो दो प्रकार का होगा, या तो बाह्य वातावरण होगा या तो आंतरिक वातावरण होगा। ठीक है, बाह्य वातावरण या आंतरिक वातावरण, तो आंतरिक वातावरण में संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ठीक है, संगठन में संगठन की जो नीतियां हैं, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी, किसमें, आंतरिक वातावरण में। बाह्य वातावरण में आती है जैसे वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है, आप बोल सकते हो वहां की जो राजनीति है, वहां की जो जलवायु है, राजनीति के साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो, ट्रांसपोर्ट है या परिवहन, ठीक है, आयात और निर्यात, ठीक है, नेशनलाइजेशन, एग्रीकल्चर, तो ये सारी चीजें जो ये ऐसे वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं जिन पर कभी भी हमारा नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, कैसे, अब इसे मान लीजिए कि सरकार जो है, सरकार की नीतियां हैं, सरकार ने क्या किया यहाँ पर, टैक्स को बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार की जो नीतियां हैं, अब जैसे अभी आरबीआई की पॉलिसी को ही अगर हम ले लें, तो आरबीआई जो है हर क्वार्टर में क्या है, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करती है। अभी आप लोगों ने देखा कि आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट को बढ़ा दिया है। अब रेपो रेट को बढ़ाने से क्या हुआ, यहाँ पर जो पर्सनल लोन है वो महंगे हो गए। ठीक है, अब अगर पर्सनल लोन महंगे हो गए, दैट मीन्स कि यहाँ पर धीरे धीरे महंगाई जो है वो बढ़ेगी। ठीक, ये जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, इन परिस्थितियों के आधार पर अब अगर कोई संगठन अपने नियमों को, अपने अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहे, तो क्या वहां पर वो अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर पाएगी? नहीं, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं या जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं ये लगातार बदलती रहती हैं, और ऐसी बदलती हुई बाह्य वातावरणीय परिस्थितियों में, ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, कि हम यहाँ पर नियंत्रण कैसे स्थापित करें। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया, लेबर लॉ ला दी, लेबर लॉ आने के कारण क्या है, यहाँ पर मजदूरों की जो डिमांड है वो बढ़ गई, मजदूरों की डिमांड बढ़ी मतलब मजदूरी बढ़ गई। ठीक है, मजदूरी बढ़ गई तो उसमें अब संस्था क्या करेगी, ठीक है, संस्था को भी उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर अपने अंदर संगठन में चेंजेस लाने पड़ेंगे।
तब वहां पर जो पर यूनिट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसी वजह से जो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। आप देखते हैं कई बार जैसे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, ठीक है, कोई फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनिशियल बजट होता है वो कम होता है, लेकिन जब तक बजट कार्यक्रम पूरा होता है, जब तक ये निर्माण कार्य पूरे होते हैं, उसकी कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। कारण क्या है? एक तो वहां पर समय के साथ जो रॉ मटेरियल उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाना, ठीक है, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? अब जैसे मान ली बरसात आ गई, तो बरसात के समय पर हमें बालू और क्या जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो प्रभावित होता है, तो वहां पर एक तो ये काम फंस जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बाह्य वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन पर किसी भी संगठन के कर्मचारियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और अगर इन पर नियंत्रण नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हम बहुत बेहतर तरीके से प्लान नहीं कर पाएंगे। तो संगठन केवल और केवल अपने आंतरिक वातावरण पर नियंत्रण रख सकता है, बाह्य वातावरण पर नहीं, ठीक है ना, ये एक लिमिटेशन है। अगला आप देख रहे हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों के निर्धारण में कठिनाई। तीसरा जो लिमिटेशन है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों के निर्धारण में कठिनाई। जैसे हम देखते हैं कई बार किसी संगठन में ठीक एक ही काम को कई सारे लोगों को दे दिया जाता है, यानी कि एक काम कई सारे व्यक्ति मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। जब एक ही काम को कई सारे लोग कर रहे हैं तो वहां पर ये आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सा काम किसने किया, मान लीजिए कोई किसी काम में गलती आ गई है तो उस गलत काम को करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ये इससे नियंत्रण में एक समस्या आती है, ठीक है। और नियंत्रण को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जो कि एक काफी महंगी प्रक्रिया होती है, ठीक है। और अगला है आपका स्वतंत्रता का हनन। कई बार जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को ये लगने लगता है, ठीक है, कि जब हमारे पर अत्यधिक कंट्रोल किया जा रहा है तो उन्हें ये फीलिंग आने लगती है कि हमें यहाँ पर बांध कर रखा जा रहा है। आप देखेंगे जब कंपनियां कई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लगा देती हैं, कड़े कानून लगा देती हैं, तो वहां पर उनको ये लगता है, कर्मचारियों को, काम करने वाले कर्मचारियों को लगता है कि यार गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जैसे जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था तो वहां पर कंपनियों ने क्या किया, एक आईपैड दिया हमें काम करने के लिए, ठीक है। उसमें क्या हुआ, आईपैड के आने से कुछ लोगों के मन में ये हुआ, विचार आया कि ये जो आईपैड है इसके माध्यम से हम कंपनियां क्या करेंगी, हमारे ऊपर दबाव बनाएंगी। दबाव कैसा, आपको कोई भी काम होगा इमीडिएट, जैसे पहले मान ली कोई रिपोर्ट मांगनी है, तो रिपोर्ट जब मांगा गया हमारे सुपीरियर्स के द्वारा, तो हम लोगों ने बोल दिया कि क्या हम फील्ड पर हैं, ठीक है। अब रिपोर्ट भेजने के लिए हमें कहीं साइबर कैफे जाना पड़ेगा या किसी ऐसी जगह पर जहां पर इंटरनेट और कंप्यूटर की व्यवस्था हो और वहां से हम मेल रिपोर्ट बनाकर तैयार करके भेज पाए, उसमें क्या वो समय लगा, ठीक। अब मान लीजिए कि मैनेजर को, हमारे बॉस को इमीडिएटली उसको रिपोर्ट चाहिए, रात को 10 बजे वो कॉल करता है कि भैया आपको ये रिपोर्ट देना है, ऐसे में हमारे मन में आएगा कि यार ये हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी ये प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि, और हालांकि जो मैनेजर से उसका कई बार दुरुपयोग भी करते हैं, जैसे जो अगला पॉइंट ये है वो यही है कि अधिकारों का दुरुपयोग, तो जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं कई बार उनका जो मनोबल है यहाँ पर डाउन हो जाता है, और जब मनोबल डाउन होगा, ठीक है, डीमोटिवेट होंगे, तो वहां पर उनकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। जब काम करने की क्षमता प्रभावित होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि संगठन के जो उद्देश्य हैं, संगठन के जो लक्ष्य हैं, वो भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, वो भी यहाँ पर प्रभावित होते हैं। इस तरीके से संस्था जो है अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता का हनन, ये भी क्या है, एक चैलेंज है, ठीक है, नियंत्रण के मार्ग में। अगला है आपका अधिकारों का दुरुपयोग, ठीक है। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो नियंत्रण के द्वारा अपना, या यूं कहें कि जैसे कई बार होता है दो कलीग्स हैं, ठीक है, जो एक सुपीरियर है, एक जो जूनियर है, उसका सबॉर्डिनेट है, उनके बीच में किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर वाद विवाद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मैनेजर को लगेगा कि ये जो है इसने मुझे गलत बात बोली है। अब क्योंकि वो मैनेजर है, सुपीरियर है, बॉस है, वो क्या करेगा, अपने इस बॉस पने का, या यूं कहें कि अपने इस पोस्ट का दुरुपयोग करेगा और नियंत्रण के माध्यम से अपने सबॉर्डिनेट को परेशान करेगा। जैसे मैं फिर से अपना एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जब मैं मार्केटिंग में था तो मुझे मेरे बॉस ने क्या किया,
ठीक है, वो सुबह रोज हमेशा फोन लगा दे कि आज कहाँ पर हो, क्या काम करोगे, आज का टारगेट क्या है, आज का प्लान क्या है, आप मुझे बताइए। ठीक है, अब या तो मैं काम करूं या तो मैं प्लान बताऊं। ठीक है, मेरे दिमाग में ये लगने लगा कि ये क्या है, मिसयूज कर रहा है अपने पावर का। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो, मेरे काम मेरा जो काम करने की जो टेंडेंसी है, जो एफिशिएंसी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। ठीक है, अब वहां पर मैंने काम करना बंद कर दिया। मैनेजर ने क्या किया, क्योंकि बॉस था, तो वो कोई भी चीज हो, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी स्थान पर मुझे पहुंचना है और वहां पहुंचने में मैं लेट हो गया, कि जिसने में मैनेजर ने क्या बोला कि फोन लगाया कि आप कहाँ हैं, मैंने बताया कि अब मैं फला जगह पर हूँ, रास्ते हूँ, गाड़ी खराब हो गई है, जो भी रीजन था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने सारी चीजें फोन पर एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, ये गलती मेरी थी, पर कुछ चीजें होती, मैंने बताया ना, कुछ बाहरी वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि मैं बस से जा रहा हूं, अब अगर बस वाला गाड़ी तेज ना भगाए या वो लेट कर दे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, इसमें तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, हाँ, तो फिर मुझे क्या बोला जाएगा कि तुम्हें 2 घंटे पहले निकलना चाहिए, तो जब तुम्हारी बस इतनी लेट हो, तो ऐसे में क्या हो, हमारा मोटिवेशन जो होता है वो डाउन होता है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, जब मैंने सारी चीज फोन पर बता दी, वो क्या करेगा, वो करता है कि मेल बनाता है बकायदे, उसमें लिखता है कि यू आर सपोज टू बी हियर एट दिस टाइम बट यू आर नॉट देयर, एक्सप्लेन। कि अब जब मैंने सारी चीज उन्हें फोन पर बता दी हैं, अब यहाँ पर क्या औचित्य, क्या तुक बनता है कि आप मुझसे इस तरह से मेल पर बात करें? ठीक है, यानी कि आप मेरी इंटीग्रिटी पर, आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, मैनेजर्स क्या करते हैं, कई बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, परेशान करने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए। तो नियंत्रण आपको हमेशा इस चीज के लिए दिया गया है कि आप संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर पाए, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको और टारगेट को, हम दोनों को कितना करीब ला पाते हैं, ये कहलाता है आपका नियंत्रण, ना कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना और अपने कर्मचारी या अपने सबॉर्डिनेट्स की स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंस को कम करना। ठीक है ना, तो कई ये जो चीजें हैं ये हमें क्या करती हैं, डिमोटिवेट करती हैं, और इससे हमारे जो संस्था के उद्देश्य हैं, संस्था के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी कई बार समस्याएं आती हैं। तो कैसे, क्या चीजें होती हैं जिनके माध्यम से आप, कौन कौन सी तकनीकें होती हैं जिनके माध्यम से आप नियंत्रण को प्रभावी बना सकते हैं? ठीक है, एक तो पहले ये चीजें नहीं करनी, हमें एक आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, हमें सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी क्लियर, किस व्यक्ति को क्या काम करना है ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही काम को 4-6 लोग कर रहे हैं, किसका क्या काम है, उस काम का प्रॉपर उत्तरदायित्व यहाँ पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वहां पर व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लिए असाइन, वो रिस्पॉन्सिबल भी हो और ऑथराइज भी हो। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही यहाँ पर दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से संस्था में बेहतर नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो नियंत्रण की कुछ पद्धतियां हैं, उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कुछ परंपरागत पद्धतियां। ठीक है, परंपरागत पद्धतियों में आप देख रहे हैं, पहला है व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्टली 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके, एक दूसरे से बात करके, ठीक है, यहाँ पर संस्था के जो नियम, संस्था के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को और व्यक्तिगत परफॉर्मेंस को आप यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं, और इसके द्वारा यहाँ पर अगर कुछ करेक्टिव मेजर्स अगर दिख रहे हैं तो वहां पर आप बड़ी आसानी से इसे आइडेंटिफाई करके उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया है, हम डायरेक्टली उससे वहां पर बात करें कि आपका काम ये था, ठीक है, आपको इतने समय में अचीव करना था, आपने कितना किया। ठीक है, जब कितना किया, मतलब दैट मीन्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस और ये सेट ऑब्जेक्टिव, जो सेट ऑब्जेक्टिव है उनके बीच का जो गैप है, ठीक है, अगर वो फिजिबल है, यानी कि सही रास्ते पर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर समस्या है तो वहां पर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। कैसे, बात करके, कहते हैं बात करने से बात बनती है। ठीक, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से यहाँ पर ये सुधार यहाँ किए जा सकते हैं किसी भी संगठन के स्तर पर। दूसरा जो है, यहाँ पर संगठन की जो नीतियां होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, संगठन की नीतियां कैसी हो, ठीक है, नीतियों के माध्यम से लोगों को यहाँ पर अपनापन की भावना पैदा की जा सकती है। जैसे मान लीजिए संगठन की जो नीतियां हैं वो कर्मचारी के लिए, कर्मचारी या यूं कहें एम्प्लॉय ओरिएंटेड हैं, कर्मचारी अभिप्रेरित हैं। ठीक, वहां पर कर्मचारी को एक अपनापन की भावना महसूस होगी, और जब कर्मचारी संस्था के प्रति अपनेपन की भावना को महसूस करता है, ठीक है,
तो वो हमेशा क्या है वहां पर संगठन के प्रति जिम्मेदारी से काम करेगा, ठीक है। और भविष्य को ध्यान में रखकर जो नीतियां बनाई जा रही हैं उन नीतियों को बनाने में, ठीक है, बनाते समय अगर प्रबंधक निर्णय ले रहे हैं तो उसमें भी अपने कर्मचारियों को वहां पर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉई का जो पार्टिसिपेशन होता है ना बहुत मायने रखता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉई यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनमें उन्हें भी क्या होगा, ये लगेगा कि हाँ ये मेरा मेरी संस्था है और इसके लिए मुझे यहाँ पर कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आप नियंत्रण को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो नीतियां हैं, तीसरा है आपका प्रेरण के द्वारा मोटिवेशन। नो डाउट समय समय पर एम्प्लॉयज का मोटिवेशन किया जाना चाहिए। मोटिवेशन कैन बी बोथ इन कैश एज वेल एज काइंड, यानी कि कर्मचारियों की जो सुख सुविधाएं हैं उनको बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उनके प्रमोशन या ग्रोथ की चांसेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, वहां पर उनके एडवांसमेंट के मौके दिए जाएं, ठीक है, साथ ही साथ सैलरी और इंसेंटिव या अलाउंसेस में भी वृद्धि की जाए, ठीक है। तो भौतिक और अभौतिक दोनों कारणों को वृद्धि करके, ठीक है, संस्था के कर्मचारियों को यहाँ पर अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो लीडरशिप जो होती है वो अभिप्रेरण के द्वारा भी संस्था में नियंत्रण स्थापित कर सकती है। फिर ऑडिट है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन है किसी संगठन की, ठीक है, और उसकी जानकारी प्राप्त होना और उस एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन के बाद को जानकारी प्राप्त करने के बाद उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या वहां पर हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग के माध्यम से हम यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, कि यानी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस जो चीजें आती हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो मैनेजमेंट होता है, इन सब टेक्निक्स के माध्यम से हम यहाँ पर संगठन में ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया आपको ये दिया गया था इतना पैसा इस डिपार्टमेंट के लिए, इतना फंड इस डिपार्टमेंट के लिए अलॉट किया गया था, ठीक है, जिसमें आपने इतना यूज किया है या इतना मिसयूज किया है, तो ये सारी चीज ऑडिट के माध्यम से जो वित्तीय स्थिति है उसकी वस्तुस्थिति रिपोर्ट जो है यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, और इसके माध्यम से भी हम यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। लास्ट है आपका लिखित निर्देश। तो लिखित निर्देश भी एक ऐसी टेक्निक है, यानी हर चीज रिटेन में, ठीक है, ओरली कुछ करना ही नहीं, ओरली कुछ कहना ही नहीं है। अगर ओरली में कई बार क्या होता है कि जो इस हमारे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं वो अस्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है, उन कम्युनिकेशन का की एक चैलेंज बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन का एक बैरियर बोल सकते हैं, कि उद्देश्यों की स्पष्टता जो है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। लिखित निर्देश दिए जाने पर क्या होता है, यहाँ पर जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होते हैं, जो कंपनी की नीतियां होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, और स्पष्ट निर्देशों के प्राप्त होने पर वहां पर संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ठीक है, वो इसे ज्यादा सुविधाजनक महसूस करेंगे, ठीक है, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती है, और स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर, ठीक, संस्था में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं आप उनसे भी स्पष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति कर सकते हैं कि आप मुझे रिटर्न में दीजिए कि आपकी चीजें क्या हैं। तो स्पष्टता, लिखित निर्देश का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, और जब क्लैरिटी होगी तो सीधी सी बात है हमारा नियंत्रण जो होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा। मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया ना कि मेरे बॉस ने मुझसे रिटर्न में चीजें मांगी है, रिटर्न में चीजें मांगने के पीछे की वजह क्या है, कल को मैं उन्हें मैंने जैसे मान लीजिए मैंने ओरल में बोला कि ये बात है, ठीक है, अब जो रियलिटी है वो तो बदल नहीं जाएगी, मैंने जो रीजन बताया वो सही रीजन था तो वही चीज मैंने रिटर्न में भी दे दी, दैट मीन्स कि उसको भी ये क्लियर हो गया कि इसने जो बात बोली है वो सही बोली है। अब अगर मैं कहीं पर गलत बोलता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि भैया तुमने तो ये रिपोर्ट दी थी। तो आप देखते हैं कभी भी किसी भी संगठन में जब हम काम कर रहे होते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां पर जो संप्रेषण होता है वो रिटर्न में होता है, ठीक है, और कभी भी हम कोई भी चीज ऐसी गलत नहीं लिखते हैं जिसका कि दुरुपयोग किया जा सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हम चाहे कहाँ कहीं भी हो, प्राइवेट संस्थान में हो या सरकारी में हो, हमेशा लिखित जो निर्देश होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा सही माने जाते हैं, उन्हीं के बिहाफ में हम सारी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये नियंत्रण की प्रणाली है, इन प्रणालियों को हम क्या बोलते हैं, परंपरागत पद्धतियां। ठीक, परंपरागत पद्धतियां जो है वो कितनी है, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा, नीतियों के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, ऑडिट और लिखित निर्देशों के माध्यम से कंपनियां जो है यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। अगले जो प्रणाली है नियंत्रण की वो है आपका आधुनिक प्रणाली, जिसमें हम देखते हैं तो बजट नियंत्रण। बजट आप लोग जानते होंगे, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है,
इसके माध्यम से कंपनियां जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर बजट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, कि आपको पता कितना यहाँ पर बजट दिया जा रहा है उतने बजट में ही आपको यहाँ पर करना है। सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि ये सब क्या है आपका मॉनिटरी कंट्रोल बोल सकते हैं, या मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड ये सारी बातें होती हैं, ठीक है, जहां पर कंपनियां जो हैं वो ये देखती हैं कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आउटपुट प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो बजट का जो निर्धारण है वो भी हमेशा इस ध्यान इन चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि देखिए जैसे बजट की अगर हम बात करते हैं, बजट में तीन चीजें होती हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक है, इस ईयर का प्लान क्या है, करेंट ईयर प्लान, और फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या था टारगेट, इस साल का अचीवमेंट क्या है, और फ्यूचर में क्या है। तो जब हम यहां पर ये क्या है स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, हम क्या है टारगेट सेट करते हैं और टारगेट्स को हम कैसे एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। तो बजटरी कंट्रोल यही निर्धारित करता है कि जो योजनाएं हमने बना ली हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित करते समय हमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बजट में हमेशा फ्यूचर प्लानिंग की जाती है कि ये जो बजट है, जैसे हमारी अभी फरवरी के महीने में सरकार जब बजट प्रस्तुत करेगी तो वो बजट जो है वो आने वाले साल का होता है, आने वाले साल में हम इन इन योजनाओं पर इतना इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, ठीक है। अब किस योजना में कितना खर्च होगा ये हमने सेट कर लिया है, अब जब सेट कर लिया है तो हम क्या करेंगे वहां पर उन योजनाओं को देखें इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करते समय हम देखेंगे कि वहां पर जो बजट अलॉट किया गया है उतने के अंदर में ही काम हो रहा है या कोई समस्या आ रही है। अब अगर समस्या आ रही है तो इन समस्याओं को दूर करने के भी यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। तो बजटरी कंट्रोल इस तरीके से यहाँ पर संस्था के गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ऐसे ही आपका कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि प्रति इकाई लागत, ठीक है, कितना उत्पादन किया जा रहा है वहां पर प्रति इकाई लागत कितनी हो रही है, ठीक है, उसको ये है आपका कॉस्ट, ठीक है। तो कुल लागत जैसे ही हमें ज्ञात होती है तो कुल लागत को ज्ञात होने के तुरंत पश्चात हम क्या करते हैं विक्रय मूल्य और लाभ की मात्रा का सही निर्धारण कर पाते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट आप देख रहे हैं लगातार प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, तो कॉस्ट कंट्रोल के माध्यम से हम उस प्रोडक्शन कॉस्ट को भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे लागत नियंत्रण का मतलब क्या है कॉस्ट कंट्रोल का, आपको पता है जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, इस मार्कर की पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट मान लेते हैं कितना है 100 रुपए है, ठीक है। तो जब एक प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए है दैट मींस कि हमें इसमें प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, इन चीजों को ऐड करके ही हम विक्रय मूल्य को बनाएंगे। फिर मान लेते हैं कि मुझे इस पर कितना प्रॉफिट कमाना है 40% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो कीमत कितनी आ जाएगी 140 रुपए, ठीक है। इस 140 रुपए में कुछ बीच में जो इंटरमीडियरीज आते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कॉस्ट भी अगर ऐड कर दूं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैं ऐड कर देता हूँ कितना 10 रुपए, तो ये इस मार्कर की कीमत कितनी हो गई 150 रुपए हो गई, ठीक है। तो ये जो 150 रुपए है ये क्या है यहाँ पर, ये सेल्स प्राइस है, सेलिंग प्राइस, जिस पर इस मार्कर को बेचा जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे कॉस्ट के बारे में पता नहीं है, ठीक है, कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो मैं यहाँ पर कैसे संगठन में जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता हूँ। तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमें कॉस्ट पर कंट्रोल भी जरूरी है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई महंगाई पर, ठीक है, इस यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में कॉस्ट कंट्रोल के माध्यम से महंगाई से यहाँ पर महंगाई से पार पाया जा सकता है और कंपनी की जो नीतियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल जो है यहाँ पर नियंत्रण को प्रभावी बनाने में सहायक होती है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर लागत का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, फिर जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको उनका पूरा डेटा तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो हमने टारगेट सेट कर रखा था उन कॉस्ट के बीच में हम क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। अगला है आपका क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी भी बहुत आवश्यक होती है,
क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो कई बार वहां पर जो रॉ मटेरियल्स हैं उन रॉ मटेरियल्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं, रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़ रही है, दैट मीन्स कि वहां पर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। पहले इतनी ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे क्योंकि पहले इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी और उन जनसंख्या को की जरूरतों को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा उत्पादन या संसाधन भी नहीं थे, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड कंपनियां हुआ करती थी, बहुत लिमिटेड लोगों की नीड और वांट्स हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, ठीक है, बदलते हुए समय के अकॉर्डिंग लोगों की नीड्स एंड वांट्स ही बदल रही हैं और वहां पर कंपनियां भी बढ़ रही हैं, कंपनी बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण यहाँ पर क्वालिटी एक बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि कई बार क्या होता है माल सप्लाई करने के चक्कर में हम क्या करते हैं यहाँ पर पुअर क्वालिटी का गुड्स सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, महंगाई ज्यादा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा है, तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पर कंप्रोमाइज होगी। तो इसके अंदर जो कच्चे माल और निर्मित माल का निरीक्षण जो होता है, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, जो कंपनियां उत्पादन के इकाइयों में लगी हुई हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसमें से हम देख लेते हैं कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो खराब हो चुका है, खराब माल को हम आइडेंटिफाई करते हैं और खराब माल को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, संस्था से बाहर कर देंगे। अब जो रॉ मटेरियल बचेगा वो कैसा होगा, गुड क्वालिटी वाला होगा। अब जो प्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, यहाँ पर इस तरीके से, इससे दो चीजें हो जाएंगी, एक तो क्वालिटी भी कंप्रोमाइज नहीं होती है, दूसरा